हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ नर्वस सिस्टम. ओके, इन अवर नर्वस सिस्टम थ्री टॉपिक्स हैव बीन कंप्लीटेड. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड द फर्स्ट टॉपिक इज स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, नर्वस सिस्टम भी आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके तीन पार्ट अब तीन चैप्टर्स हो चुके हैं और सेकेंड पार्ट हम उसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है आपका? ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है आपका? इट इज़ ए लॉन्ग थिन, इसकी बात करें क्या, इट इज़ ए लॉन्ग होती है ये थिन, इट इज़ अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज द पार्ट ऑफ CNS, इज द पार्ट ऑफ CNS. ठीक है, होता क्या है कि यू नो डेट CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो उसमें से आपका जो पहला आपका ब्रेन हो चुका है, दूसरा पार्ट है आपका स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? एक लॉन्ग होती है, पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ द पार्ट ऑफ CNS, जो कि CNS का पार्ट है, हमें पता है. ठीक है, और क्या होता है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, कहाँ पर होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहाँ होता है? ब्रेन का लास्ट पार्ट जो होता है आपका, फोर ब्रेन, ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन का जो आपका लास्ट पार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, वहाँ से ये आपका स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है. और कहाँ पर एक्सटेंड होता है? डाउन. ठीक है, स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड एंड्स कहाँ होता है ये? एंड्स, और एक्सटेंड बोल सकते हैं इसको हम, एक्सटेंड्स डाउन, नीचे डाउन, डाउनवर्ड एक्सटेंड होता है टू बिटवीन. कहाँ पर होता है? टू बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्री, सेकेंड लंबर वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री. ठीक है, तो क्या होगी इसकी पोजीशन, क्या होगी स्पाइनल कॉर्ड की? कहाँ से स्टार्ट होता है ये आपका? मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होता है. कहाँ तक एक्सटेंड होता है? इट एक्सटेंड्स डाउन टू बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्री. जो हमारी वर्टिब्री थी, हमने वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द इन अवर स्केलेटल सिस्टम पार्ट में, हमने पढ़ा है ऑलरेडी इसमें. तो उसमें क्या था आपका, वर्टिब्रीज पड़ी हैं. तो वर्टिब्रीज होती हैं आपकी, तो उन वर्टिब्रीज, जैसे कि आपका ब्रेन होता है, ब्रेन में आपका जो क्रेनियम बॉक्स होता है, क्रेनियम के अंदर ब्रेन होता है, क्रेनियम क्या कर रहा है? उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. ऐसे ही क्या होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करके रख रहा है? वर्टिब्रीज को प्रोटेक्ट करके रख रही हैं. ठीक है, वो कहाँ तक आपका एक्सटेंड करता है? फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्री आपकी. नेक्स्ट थिंग क्या है इसमें, इसकी लेंथ हम बात करें, इसके लेंथ की, तो लेंथ मैन में कितनी होती है? मैन में होगी इसकी लेंथ अराउंड 45 सेंटीमीटर, या इंच में बात करें तो कितना हो जाएगा? 18 इंच. ठीक है, और वुमेन में बात करें हम इसमें, वुमेन तो कितना होगा यहाँ पर, कितनी होती है इसकी, या फीमेल की बात करें तो 43 सेंटीमीटर और 17 इंच एवरेज जो होती है, ये लेंथ होती है स्पाइनल कॉर्ड की मेन और वुमेन में. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या, स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन पाथवे होता है, इट इज़ अ मेन पाथवे किसके लिए होता है? फॉर इन्फॉर्मेशन कनेक्टिंग, किस किस को कनेक्ट कर रही है? कनेक्टिंग द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो क्या होता है, ये एक मेन पाथवे है, किसके लिए? फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए एक पाथवे है जो किसको कनेक्ट कर रहा है, जो कि ब्रेन को और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है उसको कनेक्ट कर रहा है. तो ये बीच में एक ही पाथवे होता है स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, कहाँ से ये, अब ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वहाँ पर भी, वहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन वहाँ पर एक कैविटी होती है, उस कैविटी से ये एक्सटेंड करता है. उस कैविटी को हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम. ठीक है, ये कैविटी होती है ब्रेन के लास्ट पार्ट में, एक कैविटी होती है, वहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड करती है. ठीक है, अब इसे पढ़ेंगे स्पाइनल वर्टिब्री या फिर स्पाइनल कॉलम क्या होता है. नेक्स्ट पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉलम.
ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉलम क्या होता है, जो हमने स्कल वाले पार्ट में जो स्केलेटल सिस्टम हमने पढ़ा था स्कल के बारे में, स्कल में आपके जो एक्सियल स्केलेटन था उसमें आपका वर्टिब्रल कॉलम आया था, वही है यहाँ पर। तो क्या होता है, इट इज़ अ कॉलम ऑफ बोन्स। ये क्या है, इट इज़ अ कॉलम ऑफ बोन्स, कॉलम ऑफ बोन्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे इनको, हम वर्टिब्री बोलते हैं, इज आर नोन एज अ वर्टिब्री, पहली चीज। देन ये क्या बना रहा है, स्पाइन बना रहा है, स्पाइन बना रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉलम बोलते हैं। इट मेक्स अप द, मेक्स अप द द स्पाइन, इसलिए इसको क्या बोला गया है, स्पाइनल कॉलम बोला गया है इसको, स्पाइनल कॉलम। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम, बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, और क्या नाम दिया गया है इसका, स्पाइनल कॉलम, बैकबोन, बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जैसे कि इसमें, जैसे कि हमारा स्कल होता है, जैसे कि स्कल प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, स्कल किसको कर रहा है प्रोटेक्ट, हमारे ब्रेन को, ऐसे ही इन द सेम मैनर क्या होता है, जो आपका वर्टिब्री है वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, अब क्या होता है, जो वर्टिब्री है, वर्टिब्री में क्या होगा, बीच बीच में क्या होती हैं, बिटवीन वर्टिब्री कुछ डिस्क, डिस्क जैसी, डिस्क मेड कार्टिलेजेस होते हैं, कुछ क्या होते हैं इनके बीच में, इन बिटवीन, बिटवीन वर्टिब्रीज, जो वर्टिब्री, कई सारी वर्टिब्रीज होती है वर्टिब्रल कॉलम में, उनके बीच में क्या होगा, डिस्क शेप्ड, डिस्क शेप्ड क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, बिटवीन वर्टिब्री क्या होते हैं यहाँ पर, देयर आर डिस्क शेप्ड, डिस्क शेप्ड क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, शेप्ड कार्टिलेज। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, क्योंकि ये वर्टिब्री के बीच में, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, जो किस तरह से एक्ट करते हैं, ये एक कुशन की तरह है, जैसे कुशन होता है ना, सपोर्ट देता है, इस तरह से ये कैसे एक्ट करती है, कुशन की तरह एक्ट करती है, और स्पाइन को क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो दे एक्ट एज अ कुशन, दे एक्ट एज अ, एज अ कुशन, कुशन एंड, और क्या करती हैं ये, एंड गिव फ्लेक्सिबिलिटी, क्या प्रोवाइड कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी किसको, टू स्पाइन। ठीक है, स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये एक स्पाइनल जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो कुशन की तरह एक्ट करती है, और कुशन की तरह एक्ट करके क्या होता है, कुशन क्या होता है, हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। इन द सेम मैनर ये क्या है, ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है स्पाइन को, जो स्पाइन है हमारे, स्पाइनल कॉर्ड है, उसको एक फ्लेक्सिबल बना लेती है, जिससे कि मूवमेंट बैक, बैक बेंडिंग में या फॉरवर्ड बेंडिंग में इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, अब ये जो स्पाइन है वो कितनी बोन्स का बना, कितनी वर्टिब्रीज का बना होगा, जो स्पाइन है, स्पाइन कितनी वर्टिब्रीज का बना होता है, 33 इंडिविजुअल बोन्स होती है, इंडिविजुअल वर्टिब्री होती है स्पाइन, कितनी होती है, 33 बोन्स, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, हम वर्टिब्री बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कौन कौन सी होती है ये, इसमें पहला आपका इसमें है सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्री, वर्टिब्री। ठीक है, ये क्या आपकी 7 होती है, क्या बोला गया इनको, C1 2 C7। ठीक है, दूसरी आपकी होती है थोरेसिक, क्योंकि थोरेक्स रीजन होता है, थोरेसिक वर्टिब्री, उसके बाद आपकी लंबर आएगी वर्टिब्री, ये होती है आपकी 12, T1 2 T12। ठीक है, उसके बाद आपके थर्ड नंबर पे है लंबर, लंबर वर्टिब्री, ये कितनी होती है आपकी 5, तो L1 2 L5। ठीक है, देन आपकी होती है इसमें सैक्रम, सैक्रम या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, सैक्रल वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री। ये कितनी होती है 5, S1 2 S5।
5, लेकिन ये फ्यूज होके क्या हो जाती है, ये फ्यूज होती है, फ्यूज होके 1 बना लेती है, फ्यूज्ड, और फ्यूज होके एक 1 वर्टिब्री बना लेगी. ठीक है, देन लास्ट है आपके इसमें कॉकिक्स. कॉकिक्स क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉडल वर्टिब्री, कॉडल वर्टिब्री. ये कितनी होती है, 4 होती है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोन बोलते हैं, इट आल्सो नोन एज अ टेल बोन, टेल बोन होती है. ठीक है, ये भी फ्यूज्ड होती है, फ्यूज्ड, और क्या बना लेती है, कि ये एक सिंगल 1 होती है. तो यहाँ देख सकते हैं हम, ये हमने ऑलरेडी स्कल में हम पढ़ चुके हैं, स्केलेटल सिस्टम में. तो क्या होगा आपका, सर्वाइकल वर्टिब्री, पहली आपकी कौन सी, सर्वाइकल वर्टिब्री है, ये 7 होती है, तो C1 से C7 इसमें हमने नंबरिंग दे दी. दूसरी आपकी होती है थोरैसिक वर्टिब्री, ये 12 होती है, T1 से T12 तक. ठीक है, उसके बाद में आपकी थर्ड आती है लंबर वर्टिब्री, ये 5 होती है आपकी, L1 टू L5 नाम दिया है इसमें हमने. और सैक्रम, सैक्रम इसको बोला गया है, सैक्रल वर्टिब्री को, ये होती है 5, और ये 5 क्या होती है, फ्यूज होती है, फ्यूज होके 1 बना लेती हैं आपकी. ठीक है, देन उसके बाद में आपका है इसमें कॉकिक्स, कॉकिक्स को क्या बोला गया है, कॉडल वर्टिब्री बोला गया है, या फिर इसको टेल बोन भी बोला गया है. ये 4 होती हैं, ये भी फ्यूज होती है और 1 बना लेती है. काउंटिंग करें वैसे तो इसमें 33 होती हैं टोटल, ये होती है एट अ टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी तो क्या हो जाएगी, कुछ इसमें जो आपकी सैक्रम है और कॉकिक्स, ये फ्यूज होकर 1-1 बोन बना लेंगी. तो आपकी टोटल कितनी हो जाएंगी इसमें, आपकी 26 आपकी इसमें कितनी हो जाएंगी, ये 26 हो रही, टोटल कितनी हो रही है आपकी, 26 हो रही है आपकी वर्टिब्री. ठीक है, तो ये क्या है आपकी, इसमें ये वर्टिब्रल कॉलम है सारे आपके. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कवरिंग्स की. कवरिंग्स क्या होती हैं, तो ब्रेन की हमें पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ब्रेन की कवरिंग क्या क्या होती है आपकी, इसी तरह आपकी स्पाइनल कॉर्ड की होती है. ब्रेन की कवरिंग की जैसे ही आपकी, जैसे कि आपका ब्रेन कवर्ड रहता है कवरिंग से, ऐसे ही आपका सेम सिमिलर मैनर में आपकी उतनी ही लेयर्स किस में होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं आपकी. तो ये भी ये दी स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो ऑल्सो प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड एंड नरिश्ड, प्रोटेक्टेड, protected and nourished by three layers of membranes called meninges. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी, वो क्या करती है, वो भी आपकी, जैसे कि ब्रेन आपका प्रोटेक्टेड होता है, नरिश्ड होता है मेम्ब्रेन से, इन द सिमिलर मैनर आपका स्पाइनल कॉर्ड भी होता है. तो वो भी प्रोटेक्टेड और नरिश्ड किससे होता है, 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं. क्या क्या होती हैं वो आपकी, तो आपकी तीन हम पहले नाम लिख लेते हैं इसके. तो फर्स्ट है आपका ड्यूरा मैटर, फर्स्ट है ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर ये आपकी आउटर है, आउटर. ठीक है, उसके बाद में आपकी सेकेंड नंबर पर है अरेक्नोइड मैटर. ठीक है, ये मिडिल है. तीसरा इसमें आपका है पाया मैटर, ये इनर है. ठीक है, तो कौन कौन सी होगी आपकी, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर. सबसे आउटर में आपकी ड्यूरा मैटर होती है, उसके बाद में आपकी अरेक्नोइड मैटर, देन आपका पाया मैटर होता है. इनको एक एक से डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है. जो पहला आपका है इसमें ड्यूरा मैटर की बात करें, फर्स्ट है ड्यूरा मैटर. तो ड्यूरा मैटर क्या होता है, सबसे आउटर वाली जो होती है, सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, जो कि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके जस्ट बाद वाली जो लेयर होगी अंदर की तरफ, वो कौन सी होगी आपकी, ड्यूरा मैटर होगी. तो ड्यूरा मैटर, ठीक है. अब इसमें क्या होगा आपका, बिटवीन ड्यूरा मैटर और वर्टिब्री, जो वर्टिब्री है और ड्यूरा मैटर के बीच में कुछ स्पेस होगा, तो बिटवीन किसके बीच में, ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर और एंड वर्टिब्री, वर्टिब्री के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा. उसको क्या बोलते हैं हम, उसे स्पेस को, स्पेस, स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड वर्टिब्री क्या बोलते हैं, उसको हम एपीड्यूरल स्पेस, एपीड्यूरल स्पेस.
ठीक है, ये जो स्पेस है वो किससे भरा होगा आपका, एडिपोज टिश्यू, किससे भरा होगा, एडिपोज टिश्यू और ब्लड वेसल्स, एडिपोज टिश्यू फिल्ड विद एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स ये उससे भरा होगा आपका, ठीक है। ठीक है, जो ड्यूरल सैक है वो कहाँ पर एंड हो जाता है, ये जो ड्यूरा मैटर आपका कहाँ पर एंड हो जाता है, ये आपका ये एंड होगा आपका सेकेंड सैक्रल वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री है सेकेंड, वहाँ पर एंड हो जाएगा, कहाँ पर एंड होता है, एंड एट सेकेंड सैक्रल वर्टिब्री, वर्टिब्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्यूरा मैटर। दूसरे हम बात करें सेकेंड लेयर कौन सी है आपकी, जो मिडिल वाली वो क्या है आपकी, अरेक्नोइड, अरेक्नोइड, ठीक है, अरेक्नोइड। अब इसमें जो अरेक्नोइड है और ड्यूरा मैटर के बीच वाला जो स्पेस होता है, अरेक्नोइड एंड सॉरी अरेक्नोइड एंड पाया मैटर, जो पाया मैटर सबसे अंदर वाला है, जो स्पेस बिटवीन अरेक्नोइड एंड पाया मैटर, अरेक्नोइड एंड पाया मैटर, एंड जो पाया मैटर है उसके बीच का स्पेस, उसको हम क्या बोलते हैं, वो स्पेस है आपका सब अरेक्नोइड स्पेस, सब अरेक्नोइड स्पेस, सब अरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। उसमें क्या भरा होता है आपका, इट कंटेन्स CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, क्या होता है इसमें, कंटेन्स CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका अरेक्नो सब अरेक्नोइड स्पेस हो गया। अब इसके बाद में क्या आपका पाया मैटर आता है, जो पाया मैटर क्या होता है, वो इट इज टाइटली कनेक्टेड विद द स्पाइनल को, सबसे अंदर वाला जो होता है आपका वो पाया मैटर होता है, पाया मैटर। तो ये आपकी तीन कवरिंग होंगे, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड एंड पाया मैटर, उनके बीच का जो स्पेस है वो किससे भरा होता है, वो हो गया इसमें पाया मैटर, ठीक है। ये आपका इनर होता है, सबसे इनर होता है और क्या होता है, टाइटली एसोसिएटेड रहता है, ये टाइटली, इट इज टाइटली एसोसिएटेड विद, tightly associated with spinal cord, with spinal cord, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कवरिंग्स। नेक्स्ट ये क्या होता है, लंबर पंक्चर क्या होता है, तो लंबर पंक्चर क्या होता है आपका, इसमें ये या इसको क्या बोल सकते हैं, इसको एक नाम और है इसमें स्पाइनल टैप, एक नाम और है इसका स्पाइनल टैप, स्पाइनल टैप, इसको क्या बोला गया है, और स्पाइनल टैप बोला गया है। ये क्या है, एक प्रोसीजर होता है, लंबर पंक्चर स्पाइनल टैप क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं कि एक निडल इंसर्ट करते हैं, निडल इंसर्ट करते हैं, कहाँ पर इंसर्ट करते हैं, निडल को इनटू स्पाइनल कैनल, कहाँ पर, इस बिटवीन बिलो बिलो L2 लेवल, मतलब बिटवीन L3-4 और L4-5, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, ये लंबर पंक्चर या फिर स्पाइनल टैप क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं, जो निडिल है उसको पंक्चर किया जाता है, कहाँ पर, जो आपकी स्पाइनल कैनाल है पूरी, उसमें आपकी स्पाइनल कैनाल है उसमें पंक्चर किया जाता है, कहाँ पर, बिटवीन L2 लेवल, जो L2 लेवल है वहाँ पर, उसमें भी क्या होता है आपका L3-4 के बीच में या फिर L4-5 के बीच में इसको पंक्चर किया जाता है। इसके बीच में क्यों पंक्चर किया जाता है, कि जिससे कि वो इंजरी ना हो, इसलिए जो स्पेस है उसके बीच में इनको पंक्चर किया जाता है। और क्यों निकाला किया जाता है, कि इसमें से इनको फ्लूट चाहिए होता है, टेस्टिंग के लिए फ्लूट चाहिए होता है, तो वो इस तरह से निकाला जाता है इसमें। अब इसके हम इंटीरियर स्ट्रक्चर की बात करें, इंटीरियर स्ट्रक्चर वो तो आपका एक्सटर्नल थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया, अब इंटीरियर की बात करें, इसमें हम इंटीरियर इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो टू मैटर्स का है, जैसे कि आपका ब्रेन होता है, इसमें भी आपका व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है, सिमिलर मैनर में क्या होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड में भी दो तरह का मैटर होता है, इसमें व्हाइट मैटर एंड दूसरा होता है इसमें आपका ग्रे मैटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो है ये आपका आउटर होता है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है इसमें व्हाइट मैटर क्या है आपका आउटर होगा, बाहर वाला, और जो ग्रे मैटर है वो आपका इनर होगा। और सेम थिंग आपकी जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है आपका ब्रेन में होता है। अगर ब्रेन में हम व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर की बात करें, ब्रेन में तो क्या होगा, ब्रेन में व्हाइट मैटर जो होगा वो इनर होगा, ग्रे मैटर बाहर की तरफ होगा। इसमें क्या है आपका, व्हाइट मैटर
वाइट मैटर जो आपका आउटर है और ग्रे मैटर आपका इसमें इनर है, ठीक है। तो क्या होता है वाइट, पहले हम देखते हैं इसमें वाइट मैटर। तो वाइट मैटर क्या होता है, इट सराउंड्स द, वाइट मैटर सराउंड्स द, क्या करता है ये ग्रे मैटर को सराउंड कर रहा है, सराउंड्स द ग्रे मैटर, ग्रे मैटर इन स्पाइन, ये लाइन याद रखनी है आपको, ग्रे मैटर इन स्पाइनल कॉर्ड, इन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। वाइट मैटर में क्या होता है आपके, जो वाइट मैटर है, वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ या फिर हम बोल सकते हैं इज डिवाइडेड इंटू थ्री कॉलम्स, डिवाइडेड इंटू थ्री कॉलम्स, तीन कॉलम में डिवाइडेड रहता है। कौन कौन से होते हैं वो आपके, तीन कॉलम्स, कॉलम्स या फिर ट्रैक्ट्स, ट्रैक्ट्स बोल सकते हैं, या फिर इनको हम फ्यूनिकुली, फ्यूनिकुली कौन कौन से होते हैं वो आपके, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर, ठीक है। तो व्हाइट मैटर क्या होता है आपका, पहली चीज़ तो ये ग्रे मैटर को सराउंड कर रहा है, ग्रे मैटर मतलब, इसका मतलब ये है कि ग्रे मैटर आपका अंदर वाला हो गया। अब ये जो इसमें क्या होते हैं आपके, तीन कॉलम्स होते हैं, ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूनिकुली होती है, फ्यूनिकल्स क्या बोलते हैं, कौन कौन सी होती हैं वो आपकी, एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर होते हैं आपके, इस तरह के तीन होते हैं इसमें। ये जो ट्रैक्ट है, दीज ये ट्रैक्ट किसके बने होते हैं, जो ट्रैक्ट है ये, दीज ट्रैक्ट आर मेड अप ऑफ, नाउ दीज ट्रैक्ट आर मेड अप ऑफ किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर्स ascending to the brain and motor nerve fibers and motor nerve fibers descending from the brain, descending from the brain, from the brain, ठीक है। क्या होता है इसमें, जो ट्रैक्ट है, आपको जो ट्रैक्ट बताया है इंटीरियर पोस्टीरियर, इसमें क्या होगा आपका, जो ट्रैक्ट होता है किसका बना होता है इसमें, सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि असेंडिंग कर रहे हैं, निकल रहे हैं उसमें, जा रहे उसमें टू द ब्रेन, ब्रेन से निकल रहे हैं, एंड मोटर नर्व फाइबर जो होते हैं वो डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रेन, वो जा रहे हैं ब्रेन की तरफ, जा रहे हैं, निकल रहे हैं जो ब्रेन से, वो कौन से जाएंगे आपके, सेंसरी हो जाएंगे, जा रहे हैं आपके मोटर हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ इसमें कॉमिश्योर प्रेजेंट होते हैं, कॉमिश्योर बोल सकते हैं, अभी इसमें ग्रुप्स टाइप के बोल सकते हैं। तो क्या होता है, जो सेंट्रल कैनाल है, तो एंटीरियर टू सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल के एंटीरियर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एंटीरियर वाइट कॉमिश्योर ठीक है, और पोस्टीरियर टू सेंट्रल कैनाल कौन सा होता है आपका, इसमें पोस्टीरियर वाइट कॉमिश्योर ठीक है। तो ये आपका किसमें आ गया, आपका ये पूरा आपका व्हाइट मैटर होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ग्रे मैटर क्या होता है इसमें। तो ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, कि इनर कोर होता है, जो इनर अंदर वाला कोर होता है, इस तरह से बना सकते हैं इसको हम, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, ये बीच वाला जो मिडी वाला पार्ट होता है, ये आपका क्या होता है, ग्रे मैटर होता है। ये क्या है आपका, व्हाइट मैटर ठीक है। तो क्या होगा इसमें, जो इनर कोर है अंदर वाला जो कोर है, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रे मैटर बोलेंगे। और
किससे कवर होता है, ये वाइट मैटर से होता है। इसका हम क्रॉस सेक्शन देखें तो ग्रे मैटर में क्या होता है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन करके देखें हम स्पाइनल कॉर्ड का, तो जो ग्रे मैटर होता है वो किसके तरह दिखाई देती है आपको, सीम्स एज अ बटरफ्लाई ऑन क्रॉस सेक्शन, ऑन क्रॉस सेक्शन कैसे दिखाई देगी ये, एज अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की तरह दिखाई देगी, बटरफ्लाई। ठीक है, शेप ऑफ बटरफ्लाई क्वेश्चन, शेप एज शेप ऑफ बटरफ्लाई की तरह दिखाई देगी। ओके, ग्रे मैटर में क्या होता है, अब इसमें क्या होगा, आपके नर्व्स होंगे, ग्रे मैटर में नर्व्स होंगे, ठीक है, नर्व सेल्स, नर्व सेल्स, डेंड्राइट्स एंड डेंड्राइट्स होंगे। यहाँ पर भी दो कॉलम होते हैं इसमें, यहाँ पर जो कुछ इसमें हॉर्न्स निकले होते हैं, देख रहे हैं आप, ये हॉर्न्स निकले आपके इस तरह से, ये भी कुछ हॉर्न्स होंगे आपके यहाँ पर, इस तरह से हॉर्न रहते हैं आपके, तो यहाँ आपके हॉर्न्स होते हैं, हॉर्न्स, और क्या बोल सकते हैं इसको, हम कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं ये हॉर्न्स या कॉलम्स, कौन कौन से होते हैं आपके, ये होते हैं टू पोस्टीरियर, ठीक है, ये वाले आपके, ये वाले हो गए आपके पोस्टीरियर, और क्या बोलते हैं इनको हम, डॉर्सल, ठीक है, दो आपके लेटरल होंगे, टू लेटरल होंगे, ये हो गया आपके टू लेटरल। ठीक है, तो बाद में तीन आपके कैसे होते हैं, एंटीरियर, एंटीरियर, और या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम, वेंट्रल, ये आपके ये वाले हो गए, ये वाले, ठीक है। तो इसमें इस तरह से तीन तरह के हॉर्न्स निकले होते हैं, और एग्जैक्टली सेंटर पे क्या होगा, बिल्कुल बीच में जाके हम बात करें इसमें, सेंटर में क्या होता है, सेंटर में जो ग्रे मैटर का सेंटर है, यहाँ पर क्या होता है, एक कैनाल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल, क्या होती है यहाँ पे, एक सेंटर में कैनाल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल, यहाँ लिख सकते हैं इधर, सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल इसको बोलते हैं हम। ठीक है, ये कहाँ है, ये आपकी एक तरह से क्या एक्सटेंशन है, फोर्थ वेंट्रिकल से, इसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड होता है इसमें। नेक्स्ट इसमें पार्ट ऑफ ग्रे मैटर एंटीरियर टू सेंट्रल कैनाल इज एंटीरियर ग्रे कॉमिश्यूल, और आपका जो सेंट्रल कैनाल वाला जो पार्ट होगा इसमें, ये आपका हो गया इसमें सेंट्रल कैनाल हो गया बीच में यहाँ पर, और इसकी जो एंटीरियर पार्ट वाला जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें जो एंटीरियर पोर्शन है आपका, जो उसका ग्रे मैटर का जो पार्ट है जो कि सेंट्रल कैनाल के एंटीरियर की तरफ है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर ग्रे कॉमिश्योर बोलेंगे। यहाँ पर जो आपको ये है जो एंटीरियर पार्ट आपका ये वाला हो गया, यहाँ पर जो पार्ट होगा इसको, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर ग्रे कॉमिश्योर, और जो पोस्टीरियर वाला होगा आपका, पोस्टीरियर, नाउ पोस्टीरियर टू, पोस्टीरियर टू सेंट्रल कैनाल, तो वो क्या हो जाएगा आपका, पोस्टीरियर ग्रे कॉमिश्योर, ये हो जाएगा आपका पोस्टीरियर ग्रे कॉमिश्योर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रे मैटर कंप्लीट हो गया आपका। दो होते हैं इसमें व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, दो तरह के होते हैं इसमें, एक हो गया आपका व्हाइट मैटर, दूसरा आपका इसमें ग्रे मैटर। अब इसमें आपकी आती है फिशर्स और सल्काई, फिशर एंड सल्काई। फिशर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, इसमें जो गैप होता है उनको क्या बोलते हैं, फिशर्स बोलते हैं। और सल्काई क्या होता है, जो सेम थिंग है आपका, जो गैप्स होते हैं इसमें, तो मिडिल जो इसमें क्या होगा आपका, मिड लाइन, जो मिड लाइन है आपकी सेंट्रल कैनाल है उसकी मिड लाइन में क्या होगा, एंटीरियरली एक एंटीरियर मीडियन फिशर होगा, क्या होगा इसमें, इन द मिड लाइन, इन द मिड, मिड लाइन कहाँ पर, आपकी जो सेंट्रल कैनाल है, इन द मिड लाइन एंटीरियरली, जो एंटीरियर वाला पार्ट है आपका, वहां पर क्या होगा, एक एंटीरियर मीडियन फिशर होगा, द एंटीरियर मीडियन फिशर, मीडियन फिशर। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस की बात करें इसमें, ग्रे मैटर के पोस्टीरियर सरफेस की बात करें, यहां पर ये इसका पोस्टीरियर सरफेस हो गया, यहां पर बात करें हम, यहां पर कौन सा फिशर्स प्रेजेंट होगा, तो यहाँ होता है आपका पोस्टीरियर सरफेस पे शैलो फरो होती है, एक शैलो फरो, उसको क्या बोलते हैं हम, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, इज नोन एज पोस्टीरियर मीडियन सल्कस।
ठीक है, तो ये फिशर्स और सल्काई होगी जो ग्रुप्स होते हैं, इसमें गैप होते हैं, तो मिडिल में कौन सा हो जाएगा, इसमें एंटीरियर मीडियन फिशर हो जाएगा, और पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो इसमें एक शैलो फरो होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। अब इसमें कुछ एनलार्जमेंट्स होंगे, जो पूरी आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें बीच बीच में क्या होंगे, कुछ एनलार्जमेंट्स होंगे, तो उनको अलग अलग नाम दिया गया है, एनलार्जमेंट्स। कौन कौन से एनलार्जमेंट्स होंगे इसमें, अगर हम बना लें इसको अलग से, सपोज ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो इस तरह से यहाँ पर एनलार्जमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से एनलार्जमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एक यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो दो होते हैं इसमें, दो स्वेलिंग होती है, एक तरह से हम इसको एनलार्जमेंट्स क्या होती है, एक तरह से स्वेलिंग हो जाएगी, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें बीच में क्या होगी, स्वेलिंग होगी, तो क्या क्या होती है इसमें, मेनली टू स्वेलिंग्स होती हैं, देयर आर टू, एस सी हैव टू स्वेलिंग्स, स्पाइनल कॉर्ड हैव टू स्वेलिंग्स, कौन कौन सी हो जाएगी वो, फर्स्ट है आपके इसमें सर्वाइकल एनलार्जमेंट, सर्वाइकल एनलार्जमेंट, ठीक है, दूसरी इसमें है लंबर एनलार्जमेंट, दूसरा है इसमें लंबर एनलार्जमेंट, लंबर एनलार्जमेंट, ठीक है, सर्वाइकल एनलार्जमेंट क्या होता है, इसमें क्या होगा आपका, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एट C4 और C4 और T1 वर्टिब्रल लेवल पे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगी, स्वेलिंग होगी आपकी C4 और T1, ये वाला आपका पहला वाला हो गया, इसमें C4 से T1 तक सर्वाइकल में थंबर पोर्ट जो आपका थोरेसिक पोर्शन है उसके बीच में कुछ स्वेलिंग होगी, उसको क्या होगा, वो क्या बोलते हैं, उसको हम सर्वाइकल एनलार्जमेंट बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इधर क्या होता है, इट करस्पोंड्स टू ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है, और इसमें अपर लिम्ब को जो क्या करती हैं आपकी, अपर लिम्ब को ब्लड सप्लाई करती हैं, सप्लाई अपर लिम्ब को सप्लाई करती है नर्व्स की, ठीक है। लंबर एनलार्जमेंट को कौन सा होता है आपका, ये वाला हो गया लंबर एनलार्जमेंट, तो यहाँ क्या होता है आपका T9 से T12 के बीच वाला जो होता है आपका, इस सेगमेंट में आपका ये वाला सेगमेंट होता है आपका L2 से S3 होता है एनलार्जमेंट। ये क्या होता है आपका, इसमें किससे करस्पॉन्ड करता है, ये लंबो सैक्रल प्लेक्सिस, ठीक है, यहाँ ये कहाँ जाता है आपका, लोअर लिम्ब। तो ये क्या हो गया आपके, कुछ इसमें जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है उसके एनलार्जमेंट्स हो गए। अब स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स की हम बात करें तो क्या क्या सेगमेंट्स रहेंगे, स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड को टोटल 31 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, तो स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू 31 सेगमेंट्स, ठीक है, तो और उसमें क्या होगा, इट करस्पोंड्स टू 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड सेगमेंट्स एंड It corresponds to 31 pair of spinal nerves. Corresponds to 31 pairs of spinal nerves. Spinal nerves. ठीक है, 31 pair spinal nerves होती हैं, जो कहाँ से arise होती हैं, arise from spinal cord. Nerves arise from spinal cord, ठीक है, कौन कौन सी होती है इनके नाम देख लेते हैं हम, पहला आपका इसमें है सर्वाइकल सेगमेंट, ठीक है, इसको इसमें कौन सी वाली जो स्पाइनल नर्व होगी वो कौन सी होगी, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। सेकेंड होती है थोरेसिक सेगमेंट, और थोरेसिक
స్పైనల్ నర్వ్. థర్డ్ హే లంబర్ సెగ్మెంట్. और लंबर स्पाइनल नर्व फोर्थ है सैक्रल सेगमेंट. ठीक है तो इसमें देखें इसमें हम सर्वाइकल सेगमेंट फर्स्ट है आपका इसमें सर्वाइकल सेगमेंट और सर्वाइकल स्पाइनल नर्व से निकलती ये कितनी होती है आपकी एट होती हैं. ठीक है और दूसरा आपका इसमें थोरेसिक सेगमेंट थोरेसिक स्पाइनल नर्व निकल रही है कितनी होती हैं आपकी 12 होती हैं 12. ठीक है उसके बाद में आपका लंबर सेगमेंट या फिर लंबर स्पाइनल नर्व की बात करें इसमें हम तो ये कितनी होती है 5. और सैक्रल सेगमेंट या फिर सैक्रल स्पाइनल नर्व होती हैं वो कितनी होती हैं आपकी इसमें 5 होती हैं. ठीक है और कॉक्सीजियल सेगमेंट और कॉक्सीजियल नर्व जो होती हैं आपकी वो 1 होती है इसमें. ठीक है टोटल कितनी होगी आपकी 31 pairs ऑफ स्पाइनल नर्व्स. ये जो स्पाइनल नर्व्स होती है हमें ये पता है हमें कि स्पाइनल कितनी स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स होती हैं और ये स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो किससे स्पाइनल कॉर्ड से दो रूट से कनेक्ट होती हैं टू रूट से. कौन कौन से हो गए वो दो रूट्स आपके डॉर्सल एंड वेंट्रल इन दोनों रूट से ये कनेक्ट रहती है. वेंट्रल रूट्स क्या होते हैं वेंट्रल रूट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके मोटर और ये क्या होते हैं आपके सेंसरी होते हैं. तो इस तरह से ये आपकी जो आपकी स्पाइनल नर्व से वो इनसे अटैच रहती हैं सेंसरी. ठीक है ये दोनों रूट ज्वाइन करती हैं ज्वाइन होकर क्या बनाती हैं ये आपकी स्पाइनल क्या बनाती है ज्वाइन होकर स्पाइनल नर्व. ठीक है वर्टिब्रल कॉलम के पहले ही आपका तो ये आपका हो गया स्पाइनल नर्व्स. तो ये आपका हो गया इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हो गया. अब इसमें रिफ्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं पहली चीज़ तो रिफ्लेक्स होती क्या है रिफ्लेक्स क्या होता है तो रिफ्लेक्स क्या एक मैकेनिज्म होती है जिससे कि क्या होगा जो सेंसरी इम्पल्स है सेंसरी इम्पल्स क्या करेगी इनटू अ मोटर इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और CNS के थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ CNS. तो क्या होता है आपको डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्सेस होता क्या है सो रिफ्लेक्सेस इज द मैकेनिज्म बाय विच सेंसरी इम्पल्सिस हैं इज automatically converted into a motor effect through the involvement of CNS involvement of CNS. ठीक है होता क्या रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं रिफ्लेक्सेस को डिफाइन करेंगे हम तो रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं रिफ्लेक्सेस इज द मैकेनिज्म बाय विच सेंसरी इम्पल्सिस जो है वो इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू मोटर इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाए थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ CNS के इन्वॉल्वमेंट से जो सेंसरी आपकी जो है वो आपकी मोटर में कन्वर्ट हो जाए. अब जो पाथवे होता है उसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. इस पाथवे को फॉलो कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. पाथवे जो होता है ऑफ एनी रिफ्लेक्स एक्शन किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है उसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ये क्या हो जाएगा आपका इसको क्या बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क. अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं आपका कौन कौन जो पाथवे होता है इसमें क्या क्या होते हैं आपके जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है इसमें आपका एफरेंट लिम्ब. इसमें क्या होगा एफरेंट लिम्ब में आपका रिसेप्टर एंड अफेक्टर नर्व
अफेक्टर नर्व। ठीक है, दूसरा इसमें आपका एक होता है आपका इफरेंट लिम। ठीक है, इफरेंट लिम क्या होती है आपकी, इसमें क्या होता है आपका इफरेंट नर्व और इफेक्टर ऑर्गन एंड क्या होता है इसमें आपकी इफरेंट नर्व। ठीक है, सेंटर में क्या होगा आपका सेंटर, ये क्या है सेंटर क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सीएनएस। ये क्या है, सीएनएस का वो पार्ट है, पार्ट ऑफ सीएनएस। यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ पर जो एफरेंट लिम एंड होगी और फिर आइदर स्नैप्स होकर क्या बनाएगी, इफरेंट नर्व बनाएगी। तो ये क्या हो गए, ये रिफ्लेक्स आर्क के ये जो पाथवे है उसके कंपोनेंट्स हो गए डिफरेंट। अब हम रिफ्लेक्सेस को अगर क्लासिफिकेशन करें तो रिफ्लेक्सेस का कई तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है इसमें, उनके आप ज़्यादा आपका सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, बट आपको नाम उसके पता होने चाहिए। तो रिफ्लेक्सेस क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है उसका, क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस। देखो क्लिनिकल की बात करें हम क्लिनिकल रिफ्लेक्सेस की, तो उसमें आप ये आपके को कैसे होते हैं, सुपरफिशियल डीप और विसेस। सुपरफिशियल क्या होते हैं, स्किन में ये कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे सेंसेस को रिसीव करेंगे और फिर मैसेज पहुंचाएंगे। डीप क्या होते हैं, डीप अंदर द टिश्यू के अंदर आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। विसरल आपके विसरल में आपके क्या होंगे, कहीं ना कहीं कुछ एक पार्ट में क्या हो जाएंगे आपके ऑटोनॉमिक नर्व्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये तो हो गया क्लिनिकल क्लासिफिकेशन हो गया। पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस की बात करें, दूसरा इसमें है पैथोलॉजिकल। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल क्या है, वो ज़्यादा आपके इसमें नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं। पैथोलॉजिकल क्या होगा, इसमें कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है उसमें आपके ये रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं। थर्ड नंबर है आपका इसमें एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, इसमें हम एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन इसमें आपके आ जाते हैं सेगमेंटल, दूसरा है इसमें इंटरसेगमेंटल। ठीक है, तो इसमें एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करें, क्लासिफिकेशन ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं इसमें, सेगमेंटल, इंटरसेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल। तो क्या होता है, सेगमेंटल क्या होते हैं, इनमें क्या होगा जो एफरेंट के न्यूरॉन की जो बिगिनिंग है और उनका एंड है वो सेम ही उस पर सेगमेंट पे होगा। इसमें क्या होगा, अलग अलग सेगमेंट पे होगा। और यहाँ पर जो आपके सुप्रा सेगमेंटल है ये क्या होगा, अबव द स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर्स पाए जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपके एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपके कुछ इसमें फ्लेक्सेस थे, स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सेस रिफ्लेक्सेस। ठीक है, सो टुडे इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमने स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को पढ़ा है पूरा और इसमें जो बेसिक इसमें रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं वो पढ़ा है। इसका हम डायग्राम देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। ये देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सर्वाइकल रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का, ये ब्रेन है, ब्रेन के यहाँ पर आपका ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ से निकली हुई यहाँ पर फोरामोन मैग्नम कैविटी होती है, वहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकली हुई है। और ये आपका देखो इसमें C1 से C सर्वाइकल आपकी हो गई रीजन, ये क्या हो गया आपका C1 to C7। उसके बाद में आपका थोरेसिक है T1 to T12। उसके बाद में आपका देखो लंबर है L1 to L5 है, ये आपका सैक्रल S1 to S5। कॉक्सीजियल है आपका, इसमें चार होती हैं लेकिन ये आपकी क्या होती है फ्यूज होकर एक बना लेती है ये स्पाइनल कॉर्ड। एक डायग्राम और है आपका इसमें ये वाला, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर वो आपका वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, बता देते हैं इसमें एक मिनट। ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद में आपका है ये वाला, ये आपका ये क्या हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं इसमें हम देखो इसका ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर किस तरह से एफरेंट सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई है यहाँ पर, सॉरी ये आपका रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड का, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये देखिए ये आपका ग्रे मैटर है, ये आपका वाइट मैटर हो जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह से आपको सेंसरी न्यूरोन आ रही है, फिर डिफरेंट सिग्नल्स मिल रहे हैं। ये पोस्टीरियर मीडियन फिशर है यहाँ पर आपका, ये वाइट मैटर ग्रे मैटर स्पाइनल नर्व यहाँ पे इस तरह से जाती है, ये डोर्सल रूट है, एंटीरियर मीडियल फिशर है यहाँ पर नीचे आपका, ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है। ओके, सो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट हो गया है। इसमें आपका इसमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ लिया है और इसमें जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो पढ़ लिए हैं। थैंक यू।